हेलो दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद एक बेकिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर पे हम रूई जैसा सॉफ्ट ब्रेड कैसे बना सकते हैं, पुल अपर ब्रेड। तो रेसिपी फुल देखिए, अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कितने आसानी से और कितने बढ़िया तरीके से ये यहाँ पे पुल कर रही हूँ ब्रेड को। देखिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना ये देख के। तो ऐसे ही ब्रेड आप भी घर पर बना सकते हैं। और आज कल हमारे घर में सभी के कन्वेक्शन ओवन रहता ही है और ये ब्रेड बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। तो ये रेसिपी फुल देखिए, देखने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये इतना आसान रेसिपी है। तो एक क्विक लुक मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैदा, अंडा, दूध, बटर, चीनी, ईस्ट जैसे होता है। तो ये है लुक जैसे बेकिंग होने के बाद। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा, स्क्रीन में सारा आ जाएगा, आप लोगों को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद गया है नमक, उसके बाद गया है चीनी। चीनी मैंने पीस के दिया है, आप पीस के भी दे सकते हैं, इसकी जगह हनी भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे दे दिया है ईस्ट, तो ईस्ट की जगह आप दही भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ईस्ट नहीं यूज़ करना चाहते। और मैंने ऑप्शनल रखा है पार्सले, और यहाँ पे दिया है काली मिर्च। तो इससे क्या होगा, फ्लेवर थोड़ा एनहांस होगा। इससे ऐसा नहीं कि आप नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको हम अभी मिक्स कर देंगे। तो मेरे पास है स्टैंड मिक्सर, जिस या डो मेकर जो भी आप कह सकते हैं, इसी से मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं मिला रही हूँ एक अंडा, आप ये स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपको देना ही है। मैं देती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इससे ब्रेड सॉफ्ट बनता है। यही अगर आप नहीं खाते तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये मिक्सर में डाल देने के बाद मैंने ऑन कर दिया है डो मेकर को, और धीरे धीरे देखिए मैं दूध ऐड करते जा रही हूँ। दूध की जगह आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बस इतना सा ही फ़र्क है। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये एक्युमुलेटेड हो रहा है, यानी एक सार हो रहा है आटा। तो इसी तरीके से लो टू मीडियम स्पीड में इसमें रखना है आपको, अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर या डो मेकर है, और नहीं तो हाथ से आपको अच्छे से इसको रेडी करना है। और उसके बाद ये देखिए एक सार हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ, उससे पहले मैंने बटर नहीं दिया है। इस रेसिपी में बटर को लास्ट में देना है, और बटर देके फिर एक बार अच्छे से इसे मसल मसल के बिल्कुल सॉफ्ट एक डो रेडी करना है हमें। बिल्कुल अभी भी ये डो इतना परफेक्ट नहीं बना था, तो लास्ट में हमें बटर देके अच्छे से इसे रेडी करना है। तो देखिए मैंने जैसे दिखाया है, बिल्कुल आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, अगर हाथ से गूंद रहे तब भी, अगर आप लोग मशीन से कर रहे हैं तब भी। तो यहाँ पे देखिए मैं डो के इलास्टिसिटी दिखा रही हूँ। देखिए ये स्टिकी है, लेकिन देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसका इलास्टिसिटी रेडी हुआ है। तो हमें यही करना है, डो को इसी तरह से अब इसमें से निकाल लेना है। ये है ब्रेड स्क्रैपर या बेंच स्क्रैपर भी इसे कहते हैं। तो इसके मदद से मैं ये जो डो है इसको निकाल लूँगी अच्छे से, ये जो इसका हुक है इसमें से निकाल लूँगी। और एक बर्तन में अभी इसे राइज होने के लिए रख देंगे। तो राइज होने के लिए अभी मैं क्या करूंगी दिखाती हूँ। तो आटा हो गया है देखिए बिल्कुल रेडी, आप लोग देखिए इलास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी जब तक ना आएगी ब्रेड बिल्कुल अच्छे से नहीं बनेगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए मैं 15 मिनट के लिए इसे अलार्म पे लगा रही हूँ। अलार्म लगाने से क्या होता ना, मैं याद रहता है। और इसके बाद देखिए 15 मिनट के बाद ये डो राइज हो गया है बहुत ही अच्छे से, एकदम से फूल के रेडी हो गया है। अगर आप दही देते तो एक डेढ़ घंटा आप यूज़ उसको रख के फिर ही तभी ब्रेड बनाइएगा, क्योंकि दही से तो बहुत जल्दी नहीं बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी इससे करेंगे तो ये 15 मिनट ही काफ़ी है, अभी गर्मी का मौसम है। तो अभी इसे मैं क्या करूँगी, फ्लैट करके इसे डिवाइड कर लूँगी। तो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख जाएगा कि कितना डिवाइड करना है। अगर आपके पास मेजरिंग मशीन है, जैसे हम आजकल सभी लोग रखते हैं घर में, वेइंग मशीन भी कहते हैं, तो उससे देखिए मैंने डिवाइड कर लिया है। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर स्क्रीन में कि मैंने कितना लिया है। तो
यहाँ पे टोटल 6 मैंने डिवाइड किया है डो को। और जैसे जैसे मैं दिखा रही हूँ, देखिए पहले मैं बेल रही हूँ, थोड़ा सा आटा लिया है और बेलन की मदद से इसको जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग कीजिएगा, तो ये जो ब्रेड है बहुत अच्छे से रेडी होगा। और शेप भी ख्याल कीजिए और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर घर पर ब्रेड बनाना है आपको, हफ्ते में एक बार या दो बार ब्रेड को बनाने का प्रैक्टिस करना है। और देखिए यहाँ पे मैंने रोल कर दिया और इसी तरीके से इसे सील भी कर देना है ताकि जब ये बेकिंग हो तो तब अच्छे से ये बेक हो, ये खुल ना जाए। एक और मैं दिखा रही हूँ, देखिए इसको भी किस तरीके से आपको बेलना है। देखिए ये अच्छे से दोनों साइड से आप देखिए इसे बेल लीजिए। फिर अभी मैं इसे स्क्वायर के एक लूप दे रही हूँ और अच्छे से चारों तरफ दबाना है क्योंकि ईस दिया है वो जल्दी जल्दी फूलता है, तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा शेप हो जाता है। और कहीं से भी थोड़ा बहुत क्रैक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये अपने लिए बनाना है, कहीं पे देना नहीं है कि परफेक्ट एकदम होना है। बस मैं ट्रिक्स दिखा रही हूँ और कितना सॉफ्ट बनता है ये रेसिपी, कितना ईजी है, यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो चलिए बातें करते करते देखिए यहाँ पर ये जो है ब्रेड हमारा बिफोर राइजिंग एकदम फाइनल स्टेज पे आ गया है। तो अभी मैंने एक ट्रे ले लिया है और उसमें लाइनिंग पेपर लगा दिया है या बटर पेपर, जो भी आप कह सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे रख रही हूँ, आपके पास ऐसे ट्रे ना हो तो कोई भी थाली में भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ये कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं होता है कि इस टाइप के हमारे पास स्क्वायर ब्रेड पैन नहीं है तो हम नहीं लगा सकते। बस देखिए जिसका एंड है उस तरफ को हम सामने रखना है और दूसरी तरफ को उस एंड के पास रखना है, मतलब एक एक ब्रेड का एंड अलग अलग रखना है, दोनों को साथ नहीं जोड़ना है। और 180 डिग्री में मैंने 20 मिनट के लिए इसे बेक किया था और थोड़ा सा रेड कलर देने के लिए ऊपर वाला रॉड में आप 5 मिनट के लिए रख सकते हैं अगर आप OTG यूज़ करते हैं। और अगर माइक्रोवेव में कर रहे हैं कन्वेक्शन में, फिर तो आप 180 डिग्री में ही हो जाएगा ये पूरा ही कंप्लीट। तो देखिए ये अब होने के बाद देखिए मैं पुल कर रही हूँ, आप लोग तो स्टार्टिंग में ही ये ब्रेड आप लोगों ने देख लिया। तो चलिए आज के लिए ये रेसिपी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब तक वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक्स, मिलूँगी फिर एक नए रेसिपी में, तब तक कुक एंड बेक को देखते रहिए और आपका फीडबैक शेयर करते रहिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।